वीर, इमली और लो। बस दादाजी, बहुत खा लिया। जिंटू को तो पूछिए, उसकी भूख तो कभी खत्म ही नहीं होती। मैं तो दादाजी के ही पकवान खाऊंगा। दादाजी, कब बना रहे हो पकवान? जब बनाऊंगा तो तुम्हें सबसे पहले बुला लूंगा। दोस्तों, आज दिवाली है, रात में कौन कौन से पटाखे जलाएंगे? मुझे तो सिर्फ रोशनी वाले पटाखे जलाने हैं। आवाज वाले पटाखे मुझे अच्छे नहीं लगते। वीर, आज दिवाली है, ये लो पैसे और पटाखे ले आओ। थैंक यू दादाजी। मैं काल हूँ, काल ही विकराल हूँ। ये पटाखे मैं चलाऊंगा, रात को तुम सब आके देखना। मेरे पटाखे वापस दो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। बंटी, इसके पटाखे वापस कर दो अभी। ए, तुम अपना काम करो, वरना विक्रांत को गुस्सा दिलाया तो तुम्हें खत्म कर देगा। इतना बड़ा रॉकेट, ये तो मैं ही चलाऊंगा। तुम अभी बहुत छोटी हो। नो, ये जिंटू भी ना। बॉम्बे! जिंटू, ये जादू बंद करो। नहीं बंद करूंगा जब तक उसे सबक नहीं मिल जाता। ओके, तो फिर ठीक है, हम दोनों मिलके उसे सबक सिखाते हैं। तुम इतनी देर से क्यों आए? बहुत लापरवाह होते जा रहे हो, कोई काम टाइम पे नहीं करते। अच्छे लड़के बनो। आई एम वेरी सॉरी। लाओ, मैं ये रॉकेट निकाल देता हूँ। जल्दी निकालो, मेरी बैग जल रही है। बचाओ रोबो बॉय, बचाओ। हाँ, मैं अपना काम ठीक से नहीं करता, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तुम ही एक अच्छे लड़के हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब घर जाके सोचूंगा कि अच्छा लड़का कैसे बना जाए। बाय बाय, उसके बाद लोगों को बचाऊंगा। बाय। क्या कर रहे हो? पहले मुझे तो बचाओ, फिर सोचना। नहीं नहीं, पहले ये बताओ, अच्छा लड़का कैसा होता है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे, अच्छा लड़का वो होता है जो दूसरों को सताए ना, परेशान ना करे, जैसे तुम हो, और बुरा लड़का मेरे जैसा होता है। बचा लो प्लीज, बचा लो। मैं तुम्हें एक शर्त पे बचाऊंगा, फिर कभी किसी को नहीं सताओगे ना, वरना देखो वो मगरमच्छ तुम्हें खाने के लिए तैयार है। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, आई प्रॉमिस, फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगा। प्लीज बचा लो, बचा लो, बचा लो। ओके, आओ, पर अपना वादा याद रखना, अगर भूले तो। ए, शर्म नहीं आती तुम्हें? रोबो बॉय होके मुझे ब्लैकमेल करते हो, अच्छा लड़का बनने को मजबूर करते हो। देख लूंगा तुम्हें, बंटी को सलाह देते हो। ये कभी नहीं सुधरेगा। दादाजी, मैं ये मिठाई टेस्ट करके बताऊं कैसी बनी है? नहीं, अभी नहीं। तुम एक बार खाना शुरू करोगे तो रुकने का नाम नहीं लोगे। दादाजी, थोड़ा सा खाने दो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज। जिंटू, पहले मेरा एक काम कर दो, मुझे एक ऐसा मजबूत टेप दो जो ना खुले, ना टूटे, ना ही किसी जादू से हटे, जब तक मैं ना चाहूँ। अकड़म बकड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम। जिंटू, अब तुम दादाजी के पकवान नहीं खा सकते, रात तक इंतजार करो। ओके।
सरासर चीटिंग है। तुम तो एक अच्छी लड़की हो, फिर तुम ये चीटिंग कैसे कर सकते हो? प्लीज ये टेप खोलो। ओके, खोल दूंगा, पर एक शर्त पे। जब तक पूरे पकवान नहीं बन जाते, तुम दादाजी को तंग नहीं करोगे। बाहर जाके एक अच्छे बच्चे की तरह खेलोगे, ओके? ओके ओके, अब खोलो भी। अरे सुनो, रोबो बॉय सब बच्चों को दिवाली की बधाई देने फुर्सत गंज चौक पे आज शाम आ रहा है। ये! चलो रोबो बॉय से मिलेंगे। आज शाम रोबो बॉय सब बच्चों को दिवाली विश करने फुर्सत गंज चौक में आएगा। उसने खुद ये लीफलेट्स बांट के सबको संदेश दिया है। रोबो बॉय बच्चों को दिवाली विश करेगा। मैं करने दूंगा तब ना। टिम्बक्तु। टिम्बक्तु, ये सब क्या हो रहा है? बॉस बॉस, आज दिवाली है, हम मिठाई बना रहे हैं। बॉस, मेरे फाइटर रोबोट्स को तुमने हलवाई बना दिया है। बंद करो ये सब। और सुनो, आज शाम रोबो बॉय बच्चों को दिवाली की मुबारकबाद देने फुर्सतगंज चौक पे आ रहा है। उसे मेरा फिशरमैन रोबोट रोकेगा। वीर की जगमग दिवाली की रात को काली रात में बदल देगा ये। रोबोट, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। वीर द रोबो बॉय बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम किसी शक्तिशाली इंसान को भी ऐसे ही फंसा सकते हो? अच्छा, मेरे बॉस बहुत शक्तिशाली हैं। पहले उन्हें फंसा कर दिखाओ। टिम्बक्तु! दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। एक बार फिर तुम सबको ए वेरी हैप्पी दिवाली। जाते जाते एक बात कहूँगा कि नॉइसलेस पटाखे छोड़ो और इको फ्रेंडली पटाखे अपनाओ। एंजॉय, हैव अ ब्लास्ट। पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड बुला। हेल्प, अंदर कई लोग हैं। Bachao! Bachao! Robo Boy! Mujhe isse bachao!
फिशरमैन, वीर का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। बाय बाय वीर, दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। ओ सॉरी, तुम तो ताली देने की पोजीशन में भी नहीं हो। एनीवे, हैप्पी दिवाली वीर। कम ऑन फिशरमैन। फैक्ट्री में है, मेरे पापा को बचाने गया है। अंदर कहाँ है? अंदर तो रोबो बॉय है, तो ये वीर वीर क्यों चला रहे हैं? मेरा वीर अंदर है, उसे कोई बचाओ। क्या, वीर ही रोबो बॉय है? मैं तो पहले ही कहता था, कोई मेरी सुनता ही नहीं। सोचा नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल हुआ ऐसा कि और जैसे ही फिशरमैन रोबोट और टिम्बक्टू बाहर चले गए, मैग्नेटिक पुल ऑन। मैग्नेटिक पुल ऑन। रोबो बॉय जल्दी करो प्लीज। थैंक यू रोबो बॉय। यू आर वेलकम। हे रोबो बॉय, सबको पता चल गया है तुम वीर हो। जस्ट इमेजिन, रोबो बॉय हमारा पड़ोसी है और हमें पता ही नहीं। हाँ वीर, बोलो क्या काम है? इन सबको पता चल गया है कि वीर ही रोबो बॉय है। इन सबको ये सब भुला दो। ओके दोस्तों, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हैप्पी दिवाली। दे ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। तुमने कहा रोबो बॉय खत्म हो गया, लेकिन टीवी में न्यूज आ रही है कि वो बच गया है और उसने फैक्ट्री में सबको बचा लिया। सॉरी बॉस, लेकिन कब तक बचेगा? लो, ये मिठाई टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। आज हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। मेरे रोबोट्स को हलवाई मत बनाओ। मैंने फैसला कर लिया है, इस बार फुर्सतगंज में कोई दिवाली नहीं मनाएगा। इस बार फुर्सतगंज में रोशनी नहीं, अंधेरा होगा। और ये दिवाली वीर की आखिरी दिवाली होगी। और मेरा ये काम क्राइंग रोबोट करेगा। क्राइंग रोबोट। ये तो खुद रो रहा है, ये किसी और को क्या रुलाएगा? इसमें कौन सी खूबी है बॉस? खूबी वहाँ देखो, जहाँ रोबोट के आंसू गिर रहे हैं। You're genius, boss. Meow. She is right, boss. She is right. ये कैसी बकवास रंगोली बनाई है? एकदम बकवास। क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से बनाई थी। इसमें मेहनत का क्या काम है? इससे सुंदर रंगोली तो मैं चुटकियों में बना दूं। मेरे पास स्टेंसिल है,
सिर्फ उसे रखना है और उसके बीच में रंग डालना है। तो हो गई रंगोली तैयार। बंटी तुम बना के दिखाओ, देखते हैं तुम कैसी रंगोली बनाते हो। उफ़ो, ये हवा ने सब बिगाड़ दिया, फिर से बनाता हूँ। नो, फिर से बनानी पड़ेगी। ये हवा मेरी ही रंगोली के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये हवा रंगोली के पीछे नहीं, तुम्हारे पीछे पड़ी है। ये कौन बोला? भूत, भूत। ये हम बोल रहे हैं। फिर कभी दूसरों की रंगोली का मजाक नहीं उड़ाना। रंगोली घर को सजाने के लिए होती है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं। आई बात समझ में? रंगोली, अरे बाप रे, रंगोली का भूत। सॉरी, मैं फिर कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आपको भी मुबारक हो सिन्हा साहब। वो क्या है? हाँ, वो कंदील तो पूरे फुर्सतगंज की बिजली खींच रहा है। सॉरी, डोंट माइंड। फुर्सतगंज के लोगों, अब फुर्सतगंज में अंधेरा ही अंधेरा होगा। नो रोशनी, नो दिवाली, नो उजाला। फुर्सतगंज में दिवाली मनेगी, जरूर मनेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। ये अंधेरा खत्म होगा, फुर्सतगंज जगमगाएगा। तुम क्यों रो रहे हो? सॉरी, डोंट माइंड। ओहो, ओए, ये बिजली कैसे आएगी? अब तो रोबो बॉय का ही सहारा है। जिंटू जल्दी करो, फुर्सतगंज में रोशनी कर दो, वीर उससे निपट लेगा। अभी लो, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, हर घर हो जाए रोशन। अरे, इतनी सारी कंकड़ कहाँ से आ गई? Sorry, don't mind. Yeah! अब फुर्सतगंज के इस बहादुर को वहीं ले चलो, जहाँ इसकी दिवाली मनानी है। वीर,
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। I'm glad, very very glad. अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ओके, बड़ा मजा आएगा। इमली, हम लोग बंटी को डोंकीज का सीक्रेट नहीं बताएंगे। कौन सा सीक्रेट? यही कि अगर डोंकीज के सिर पे जोर से चूमो तो उनके सिर पे स्टेयरिंग और पैर में व्हील्स निकल आते हैं और उन्हें स्कूटर की तरह किक मार के स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। ओह हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। शुक्र है बंटी यहाँ नहीं है। चलो अब हम पिकनिक पे चलें। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। केकी फेकी, देखो मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता। डोंकीज भी स्कूटर कार की तरह चल सकते हैं। मैं सब बाल चले गए। इसके सिर पे स्टीयरिंग निकल आएगा और पैरों में व्हील्स। मेरा स्कूटर बनाएगा, अभी मैं तेरा हवाई जहाज बनाता नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, अभी एक नारियल नीचे गिराता हूँ। मेरा पैर! काश ये नारियल अपने आप नीचे आ जाते, फिर मैं जी भर के नारियल पानी पीता। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। नारियल पेड़ के नारियल अपने आप नीचे आके चुलबुल के सामने हाजिर हो। वाह,
वाओ वीर, देखो देखो नारियल खुद पेड़ों से उतर रहे हैं। ये हमारी दोस्तों को खाने वाला है। कोकोनट यचे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चिंटू, ये जादू के नारियल बना के गायब मत हो जाना। तुम कौन हो? आओ मैं बताता हूँ। चिंटू उन्हें रोको, वो भाग रहे हैं। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म टिकड़म दम दमादम। हे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक भी जाओ। वो मेरी जादू से बने हैं, इसलिए अब मेरा जादू उन पे काम नहीं कर रहा है। जब तक वो खुद ना चाहे, मेरा जादू उन पे काम नहीं करेगा। चलो उनको पकड़ते हैं। अरे क्या कर रहे हो, हटाओ अपनी गाड़ी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अरे ये क्या, मेरी कार, वो मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे हैं। करो पकड़ो उन्हें, मैं भी कोशिश करता हूँ। वापस पेड़ पे चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? है ऊपर वाले, इसका मैं क्या करूँ, ये कब बंद होगा? Come on.
इसका कोई पक्का इलाज करो। जिंटू कह रहा था जब तक ये खुद ना चाहे उसका जादू इन पे असर नहीं करेगा। तुम कहना क्या चाहती हो इमली? कुछ ऐसा करो कि ये अपनी मर्जी से घर जाने को तैयार हो जाए। ओ चुलबुल, वो नारियल कहाँ है? तुम मुझे यहाँ चाट खिला रहे हो और वहाँ वीर अकेला उनसे लड़ रहा होगा। वेरी गुड, अब चलो जल्दी। जवानों, इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो और ये एक साथ अटैक करना। यस सर। इमली तुम दूर जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये एक आर्मी की तरह बिहेव करते हैं। चिंटू आ जाए तो तुम ये कर सकते हो, शायद ये काम कर जाए। सारी दुनिया के नारियलों के लीडर हैं। जैसे ही हमें तुम लोगों के बारे में पता चला हम आ गए। गुड जॉब डन, तुम लोगों ने अच्छा युद्ध किया। वो लड़का चला गया है, जीत तुम्हारी हुई। अब तुम सब थक गए होंगे, घर जाके आराम करने का समय है। क्या तुम सब घर जाके आराम करना चाहोगे? ये सब अपने घर जाने को राजी है, इन्हें घर भेज दो। ओके, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। इमली थैंक्स, तुमने अच्छा आइडिया दिया था। चुलबुल, आप फिर कभी नारियल पानी पीना हो तो खरीद के पी लेना, उन्हें पेड़ों से उतरने को नहीं कहना। मेरे लिए तो गाजर ही ठीक है, नारियल पानी बहुत भारी पड़ा।